हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का आयोजन हो चुका है, आज रिजल्ट आने वाला है। सब लोग वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। तो चलिए सबसे बड़ी खबर बता देते हैं कि रिजल्ट कब तक आने वाला है। चूंकि आज का डेट है और कल से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसी बीच हम सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आज कितने बजे आ रहे हैं, कब तक रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट आने के बाद बात होगी कल के डेट से ही कि काउंसलिंग कैसे कराएंगे। तो काउंसलिंग के लिए सबसे अच्छा ब्रांच कौन सा होगा आपके लिए, सबसे अच्छा ब्रांच, सबसे अच्छा कॉलेज, साथ ही कल से जो ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया हो रही है वो ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करेंगे, सारा चीज़ क्लियर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड बता दूं कि रिजल्ट के रिगार्डिंग बात करें तो हमेशा अपडेट रह रहे हैं हम वेबसाइट पर, संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश के होम वेबसाइट पर हम लगातार अपडेट हैं कि रिजल्ट आएगा, और आप लोगों को नोटिस दूंगा कि रिजल्ट आ गया और चेक कर लीजिए। रिजल्ट आप लोगों को 5 से 6 बजे के बीच तक आने की उम्मीद है। ये अभी तक जैसे कि वेबसाइट पर चेक कर रहे हैं लगातार, अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आज ही की डेट में 5 से 6 बजे तक आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा देर और 2-3 घंटा वेट करिए और आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए आप लोग अपना एडमिट कार्ड साथ में रखिएगा, क्योंकि आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो भी उसमें डाला जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। ये चीज़ था, तो 2-3 घंटा और वेट करिए, आप अपना रिजल्ट चेक कर पा लेंगे। ठीक है, उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में अनाउंस कर दिया गया है कि रिजल्ट आज आने वाला है, लेकिन जैसे अपडेट मिल रही है उसके अनुसार से आप लोग को 5 बजे तक आने की, रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। चलिए अब बात करते हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया की। काउंसलिंग की प्रक्रिया फ्रेंड कल से होने वाली है काउंसलिंग, क्योंकि कल के डेट से यहाँ पर लिखा हुआ है 14 सितंबर 2021 से फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे कैंडिडेट फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवा पाएंगे जो भी उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट यूपी पॉलिटेक्निक का प्रवेश परीक्षा दिया है वो थर्ड काउंसलिंग के बाद, यानी कि जब चौथे राउंड का काउंसलिंग शुरू होगा तब करवाएंगे। पहला और एक से लेकर के तीसरा राउंड तक का जो काउंसलिंग होगा उसमें सिर्फ यूपी पॉलिटेक्निक के यूपी स्टेट के जो भी स्टूडेंट है बस वो यहाँ पर काउंसलिंग करवा पाएंगे। काउंसलिंग करवाने से पहले मैं कुछ उम्मीद बता दूं कि सबसे पहले आप लोग जो काउंसलिंग करवाइएगा तो आप लोग को सबसे पहले सिविल ब्रांच चूज करना है। ठीक है, अभी के दौर में सिविल ब्रांच सबसे अच्छा है। उसके बाद आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, उसके बाद आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। ठीक है, ये 3 ब्रांच सबसे पहले चूज करिएगा, उसके बाद आप चूज करिएगा। ऐसे जैसे ही रिजल्ट आता है तो हम आपको बताएंगे, एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से हम तैयार कर रहे हैं एनालिसिस, और आप अपना स्कोर भी बताइएगा, उसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपका जो रिजल्ट आया है उसके आधार पर आपके राज्य में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उन कॉलेजों में आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा और आपको कहाँ पर लेना चाहिए, पहला कॉलेज दूसरा कॉलेज डालना चाहिए जिससे कि आपको मनपसंद ब्रांच मिल सके। सारा जानकारी मैं आपको अपडेट करते हैं, जस्ट एक वीडियो अपलोड करते हैं, उस वीडियो में देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, कुछ पल वेट करिए आपका रिजल्ट आ जाएगा, लगातार वेबसाइट पर बने रहे। साथ ही कोई डाउट वॉट हो तो कमेंट करिएगा, साथ ही हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए नए चीज़ों लेकर के। देखते रहिए, थैंक यू।